नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल वाले वीडियो में हमने सती प्रथा और उससे जुड़े जितने भी विवाद थे, जितने भी पहलू थे, जितने भी उदाहरण थे, उन सभी को वन बाई वन समझा था। और आज के इस वीडियो में हम जौहर और इससे जुड़े तमाम पहलुओं को जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जौहर एक फारसी शब्द का अरबी अनुवाद है, जिसका अर्थ होता है योग्यता। तो अर्थ और इसका जो मतलब है वो हमने समझ लिया। और यहाँ पर एक लाइन ऐड की जा रही है कि जौहर को कुछ लोगों का ऐसा अनुमान है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है, कुछ लोगों का ऐसा तर्क है कि जौहर सती प्रथा का अग्रदूत है। तो सबके अपने अपने विचार हैं, सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि जौहर आत्मदाह करने की क्रिया थी, आग लगाने की नहीं। जैसा कि आपने देखा कि सती प्रथा, इसलिए मैंने कहा था कि ये जो है कि जो हमारा जौहर और सती प्रथा, जब इन दोनों बातों को हम सही से समझ लेंगे तब हमारे लिए ये पूरा टॉपिक क्लियर हो पाएगा। जो हमारे लिए प्रथा है, इसमें दोनों टॉपिक जौहर और सती प्रथा, इनका बहुत बड़ा योगदान है, जिसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों, जहाँ सती आत्मदाह का एक व्यक्तिगत कार्य था, वहीं जौहर सामूहिक या सामूहिक आत्महत्या से अधिक था। तो दोनों बातें हमने समझ लिया। और आज के इस वीडियो में इस बात को भी हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि सती प्रथा और जो जौहर प्रथा है वो एक दूसरे से किस प्रकार अलग है और क्या क्या समानताएं हमारे समक्ष प्रस्तुत होती हैं। तो दोस्तों, जहर खाना और आग लगा लेना, ये दोनों आत्महत्या के कारक हैं। लेकिन यहाँ पर जो रानियां होती थी, जो स्त्रियां होती थी, वो जहर खाने की अपेक्षा आत्मदाह करना ज्यादा उचित समझती थी। क्योंकि वहां पर ये तर्क दिया जाता था कि जो क्रूर लोग थे, जो अत्याचारी लोग थे, जो उनके शत्रु थे, जो हमलावर होते थे, वे जो है कि स्त्रियों के मर जाने के बाद भी उनके साथ गलत कार्य करते थे। जैसा दोस्तों, अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो यूनानी साहित्य में एक ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक स्त्री के मर जाने के बाद 1000 लोगों ने उसके साथ रेफ किया था। तो यहाँ पर वही बात बताई गई। इसके साथ साथ एक धार्मिक मान्यता यह भी है कि आग जो है वो काफी शुद्ध होती है। तो दोनों बातें हमने समझ लिया। और जैसे बताया जा रहा है कि सती जो प्रथा थी, वो लोगों का, इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि वह उच्च जाति के लोगों में प्रचलित थी। लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में स्पष्ट कर दिया था कि जैसे उत्तर भारत में सती प्रथा ब्राह्मणों में, लेकिन दक्षिण भारत में निम्न जाति के किसानों में, रईसों में, शाही जाति थी उनमें प्रचलित था। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जौहर युद्ध के मैदान में अपने पति के हार के परिणाम स्वरूप किया जाता था। ये आप बात जान ही रहे हैं। और यहाँ पर इसके साथ साथ बताया जा रहा है, इस्लाम या अन्य आक्रमणकारियों से बचने के लिए जौहर स्त्रियाँ करती थी। जैसा कि बताया जा रहा है कि मुस्लिम काल 12वीं से 16वीं शताब्दी में राजपूतों ने जौहर का अभ्यास किया था, खास तौर पर चित्तौड़गढ़ में। करने का मुख्य उद्देश्य दास्ता और बलात्कार से बचना है। जैसे कि आपने देखा कि अगर जहर खाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी बहुत से क्रूर जो अत्याचारी होते थे, उनके मरे हुए शरीर के साथ भी अभद्र व्यवहार करते थे, जैसा कि मैंने एक उदाहरण के साथ स्पष्ट कर दिया। अब यहाँ पर ये जो उद्देश्य दूसरा बताया जा रहा है, वो शाही सम्मान और वंश को बचाए रखने के लिए ये प्रक्रियाएं की जाती थी, ऐसी मान्यताएं होती थी। इसके विषय में मैं ऐसा नहीं इसे ग्लोरीफाई कर रहा हूँ, जो बातें हैं मैं वही आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके पीछे मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं इसके पक्ष अथवा विपक्ष के विषय में कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। जो ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस से ही बनाया जा रहा है। और आगे बताया जा रहा है दोस्तों कि जो स्त्रियाँ होती थी, वो दुल्हन की पोशाक, जो जैसे दुल्हन अपना पूरा पोशाक धारण करती है, उस प्रकार से अपनी सजावट के उपरांत ही हुए चिता पर जाती थी। और यहाँ बताया जाता है कि कुछ वैदिक मंत्रों का भी पाठ किया जाता था। और इसके साथ साथ जो जैसे कोई व्यक्ति जल रहा है तो आसान बात तो है नहीं, तो यहाँ पर कुछ धार्मिक गीत भी स्त्रियाँ गाया करती थी, इस ज्वलन को सहने के लिए, इस दर्द को सहने के लिए। और आगे यहाँ पर अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो 1724 में मारवाड़ जोधपुर के अजीत सिंह के साथ 66 महिलाओं ने आत्मदाह किया था, ये इसका उदाहरण है। और इसके साथ साथ बुद्ध सिंह के अंतिम संस्कार में 84 महिलाओं ने आत्मदाह किया था, अर्थात अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसके साथ साथ पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी का मामला आपने सुना ही है, अभी उस पर फिल्म बनी थी, काफी विवाद भी हुआ था, वो सभी बातें आप जान ही रहे हैं। और इसके साथ साथ रानी कर्णावती ने खुद को कितनी स्त्रियों के साथ, 13,000 महिलाओं के साथ जला लिया था, एक बारूद का कमरा था और उसमें पैक कर लिया और उसके साथ साथ वहां पर आग लगा दी गई।
तो ये पूरा मामला हमने देख लिया। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के रायसेन में तीन जौहर का उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। पहला उदाहरण बताया जा रहा है कि 1528 में रानी चंदेरी ने पहला जौहर किया, उसके बाद रानी दुर्गावती ने 1532 ईस्वी में और 1543 ईस्वी में रानी रत्नावली ने जौहर किया था। तो ये तीन मामले हमने देख लिए। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है दोस्तों कि 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया और वहाँ पर जो स्मिथ हैं एक इतिहासकार, उन्होंने लिखा कि जब अकबर चित्तौड़गढ़ के किले में अंदर जाता है तो उसे एक जो है कि बहुत बड़ा ढेर राख का मिलता है और वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। और इसके साथ जो पुरुष वहाँ से बाहर निकलते हैं उनको जो मुगल सेना होती है वो उनको मार देती है। तो यहाँ पर युद्ध से पहले ही सारी स्त्रियाँ एकत्र होकर आत्मदाह की रहती हैं। तो ये बात मैंने पूरी बता दी और आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी रोचक लगी होगी। बहुत से उदाहरण यहाँ पर हमने देखे, बहुत सी बातें हमने देखी और जौहर और इससे जुड़े जितने भी टॉपिक थे, जितने भी उदाहरण थे, उनको मैंने स्पष्ट कर दिया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी रोचक लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।